बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूँ शायना शाम्स। आइए आज की खबर की जानिब पढ़ते हैं। नवाब शाह से कबीर अवान की रिपोर्ट शामिल करते हैं। नवाब शाह एरिगेशन वर्कर्स यूनियन नुसरत और दार डिवीजन शहीद बेनजीराबाद के मुलाजमीन की जानिब से शोएब बिल्लर, अलीबाग जरदारी, मोहम्मद उस्मान डायरी, गड्ढा हुसैन, अहमद खान चांडियो और दीगर की क्यादत में दार डिवीजन से एक रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नवाब शाह प्रेस क्लब पहुंची, जहाँ इरीगेशन मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि सिनकोटा हमारा जायज हक है और हम अपना जायज हक हर सूरत में लेकर रहेंगे। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह और दीगर से अपील की है कि हम 1 से 4 स्केल के छोटे मुलाजमीन हैं, हमारी सिनकोटा बहाल की जाए। दूसरी सूरत में 1 जुलाई से काम छोड़ हड़ताल की जाएगी, जबकि 5 तारीख को नवाब शाह प्रेस क्लब के बाहर मरने दम तक भूख हड़ताल की जाएगी। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट। हमने पहले भी एहतजाज करते रहे लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं गई। अभी ये पहले स्केल से 5 चौथे स्केल तक की एडवर्टाइज दी गई है, जिसमें हमारे को जो लोकल वहाँ के बंदे स्टाफ है उनको सनकोटा दी जाए। हमने ये बिलावल साहब को, आसिफ साहब को, हाजी अली जल्दारी साहब को अपील करी है पहले भी, अभी भी अपील करते हैं, ये हमारा हक है, हमारा हक दिया जाए। देखो तो ये वोटर भी आपका है, ये आपसे नौकरी की मांग कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, इसको बराए मेहरबानी इसको अपना हक दे दे, तो आपकी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। हम बेरोजगार हैं तो हमारा रोजगार चलेगा तो हमारा घर का जो है। आपके नहीं मानेंगे, आप क्या करें। टुडे न्यूज़ में फिर वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करें। शायना शम्स को इजाजत दीजिए, अल्लाह नेकबान।